चलिए निम सेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, संबीत से, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 90 है, जो कि उड़ीसा से हैं। तो सबसे पहले बेटा आपको ऑल इंडिया रैंक 90 के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आपकी खुशी और चेहरे बता रहा है कि आप बहुत खुश हैं इस रैंक के साथ। तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी इंटायर सक्सेस जर्नी बताओ, कब सोचा था निम सेट और किस ढंग से इसके लिए प्रिपरेशन किया। जी सर, एक्चुअली मेरा ग्रेजुएशन 2023 में खत्म हुआ। ओके थर्ड ईयर में मुझे आके पता चला था निमसेट के बारे में, लेकिन सर कॉलेज के साथ थोड़ा मैनेज नहीं हो पाया था। मतलब ओके okay. प्रिपरेशन तो किया था लेकिन इतना अच्छा नहीं किया था, तो कॉन्फिडेंस इतना नहीं था। तो सर 2023 में मैंने निमसेट दिया ही, जो कि मेरा थोड़ा गलती था, वो मेरा देना चाहिए था लेकिन नहीं हाँ, दे देना पाया था। चाहिए। अपना जो ओजेई था, जो उड़ीसा का होता है, वो सिर्फ दिया था, उसमें भी इतना अच्छा रैंक नहीं आया। फिर दोस्त लोगों ने सजेस्ट किया कि एक काम करो, एक साल ड्रॉप ले लो, अब तुम्हारा तो वैसे भी कैरियर गैप नहीं है। मैंने खुद भी सोचा कि एक्चुअली एक बार ट्राई तो करना चाहिए, तो इसलिए सर मैंने सोचा कि ड्रॉप लेता हूँ। फिर सर यूट्यूब से आपकी क्लासेस देखा, मतलब आपका पढ़ाना एकदम समझ में आ जाता, तो सर इसलिए मैंने आपका टेस्ट सीरीज लिया था और आपके साथ पढ़ता गया बस, और सारे टेस्ट देता गया। सर टेस्ट में भी स्कोर अच्छा आता था, नहीं आता था तो भी आप आपके से स्पेशल सेशन में समझा देते थे, तो ऐसा कभी मतलब बीच में दिक्कत हुआ नहीं। और घर में भी फुल सपोर्ट था हमेशा, मतलब पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आई, इसलिए और सर एक ऐसा और खास चलता बात है, गया। और आपकी ओजी में भी सेकंड रैंक थी ऑल इंडिया ना, उड़ीसा नहीं, वाले एग्जाम ओजेई में स्टेट रैंक 2 है, सीटीओटी तो उसके लिए भी ढेर के सारी लिए भी अच्छा बधाई। गया था। हाँ, जी उसके सर, लिए भी थैंक यू ढेर सर, सारी आपको बधाई। भेजा था। हाँ, तो आप कंटिन्यू रखिए। यस, फिर फिर सर ऐसे टेस्ट चलता गया, इन में बहुत मॉक टेस्ट भी होने लगे, उसमें भी स्कोर अच्छा आया। सर इम्प्रूवमेंट सर आपके टेस्ट एनालिसिस से हुआ है, क्योंकि सर मुझे इनिशियली मुझे पेपर कैसे अटेंड करना था वो भी मुझे नहीं पता था। मैं मतलब लाइन से करते जाता था, कि सर आपने समझाया कि ऐसा नहीं करना है, राउंड वाइज करना है। वो सब धीरे धीरे आपके साथ इम्प्रूवमेंट होता होता गया। और सर एंड में दोनों निमसेट से पहले सीयूटी का एग्जाम आ गया और ओजेई का भी एग्जाम उससे पहले आ गया। उन दोनों में जब परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो उससे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ कि हाँ मैं अच्छा अच्छा पोजिशन में स्टैंड करता हूँ, मैं कर सकता हूँ। सर निमसेट का एग्जाम भी आपने उससे पहले ही बताया था कि एग्जाम पिछली बार भी मतलब ऐसा सरप्राइज था, बच्चों ने गलत कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है, कोई भी माइंडसेट नहीं करना है, जैसे भी पेपर आए पेपर के टाइम पे हैंडल करना है। तो मैंने भी वही वही माइंडसेट के साथ गया था कि जितना आएगा मतलब उसी टाइम डिसाइड करूंगा कि पेपर कैसा है, नेचर कैसा है, पेपर का नेचर को पकड़ना है और उसी हिसाब से आगे बढ़ना है। सर ऐसे ही मतलब जब एंटर किया तो थोड़ा सा लगा कि नहीं, पेपर थोड़ा अलग टाइप का है, मतलब एकदम आसान नहीं है, कॉन्सेप्चुअल बेस पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो जितना करना है उतना सही करना, वैसे हिसाब में करता गया और रिजल्ट अच्छा आ गया। फाइनली आपकी इतनी अच्छी रैंक आई, 90 रैंक, वेरी गुड। अच्छा, सबसे खास बात यह है कि आपने जब ड्रॉप लिया लास्ट ईयर, आपने नहीं दिया था, पर कोई बात नहीं, पर आपने एक पहले अटेम्प्ट में, एक तरह से आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट अटेम्प्ट आपने स्टेट रैंक में 2 रैंक लाए हो, इधर आप 90 रैंक लाए हो। तो आपकी अब लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि एक सक्सेस हमारी इंटायर लाइफ बदल देती है। टेस्ट पेपर के एनालिसिस पे बहुत ध्यान दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बच्चे उस चीज पे जी कई सर, बार बहुत ध्यान अच्छा नहीं सर देते मिले। हैं। अच्छा, इम्पिटस में मेरा एक नेचर है, क्योंकि बाकी जगह ऐसा नहीं होता, पर मैं हमेशा पेपर का सॉल्यूशन इसलिए लाइव देता हूँ कि बच्चे क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच डेवलप करें। तो आप टेस्ट पेपर एनालिसिस के लिए क्या क्या करते थे, कॉपी वगैरह भी बनाते थे कि नहीं? जी सर, मेरा अभी भी पीछे रिकॉर्ड है, बोलोगे तो दिखा दूंगा। तो हाँ, मेरे जो दिखाओ, रिकॉर्ड क्योंकि है, कई बच्चे एनालिसिस ढंग से नहीं करते, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने स्टडी रूम और अपनी कॉपियां वगैरह दिखाओ कि किस ढंग से पेपर के एनालिसिस को आप वर्क करते थे। एक मिनट सर, तो ये एक्चुअली मेरे पेपर एनालिसिस के कॉपीज हैं। अभी मेरे एक्चुअली दो दो कॉपी हैं, इसमें मैंने एक्चुअली सर जो अपने जो 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 भी टेस्ट से मैंने जो भी सीखा है वो लिखा था, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें नोट करता था। मतलब ओके उसमें okay. बेसिकली सर आपने पहले से बोला था कि ऐसा एक कॉपी बनाना है, एंड में जाके आपके पास एक अच्छा खासा क्वेश्चन का कलेक्शन बन जाएगा, जो कि हुआ भी है। मतलब उसमें सारे टाइप के क्वेश्चन है, सारे चैप्टर हैं, सारे ओके okay. टेस्ट के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो उससे भी इम्प्रूवमेंट हुआ। अच्छा, एक बार बताओ, आपने जैसे ड्रॉप लिया, तो जब ड्रॉप ले रहे थे या पूरे इंटायर ईयर ड्रॉप के बाद, कहीं कोई स्ट्रेस लेवल, आप कोई स्ट्रेस हुआ, अगर हुआ तो कैसे उसको हैंडल किया, क्योंकि ड्रॉपर बच्चे कई जी बार सर, स्ट्रेस जब ले भी लेते हैं। जब आप ड्रॉप लेते हो तो मतलब कभी कभी ख्याल आता है कि नहीं हुआ तो क्या होगा, एक साल बर्बाद तो नहीं हो जाएगा। जब भी ऐसा आता था मैं थोड़ा सोचता था कि मेरे तो एक साल मैंने इन्वेस्ट किया अपने आप पे। सर एक्चुअली मैं इस बात पे खुश हूँ, मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि सर मेरा जो 12th में जो 10th तक मेरा मैथ अच्छा था, लेकिन 11th 12th में मैंने मैथ खराब कर दिया।
मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। तो 11th में मेरा मैथ बिगड़ गया था, मतलब मुझे लिटरली जब मैं इंग्लिश प्रिपरेशन करने के लिए बैठा, मैं सब पहले से ही पढ़ा हूँ, मतलब मुझे कुछ याद नहीं था। मतलब 12th में मेरा बोर्ड में 55 मार्क्स आया था आउट ऑफ 100। तो जब भी मुझे मतलब ऐसा लगता था कि नहीं होगा तो क्या होगा, मैं अपने आप को ये बोलता था मैंने मैथ में 12th में 55 रखा है, अभी मेरे टेस्ट में टॉप 20 में आ रहा हूँ मैथ में, मैं ओवरऑल। तो मैंने ये जो इम्प्रूवमेंट किया है ना, फर्क नहीं पड़ता, मैंने इम्प्रूवमेंट किया है अपने आप, मुझे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, तो उस बात को लेकर मैं बहुत खुश होता था ऐसे। और दोस्त लोग भी मतलब बीच बीच में बात करते रहते थे, दोस्त लोग सबसे अच्छे होते हैं। जब आप घर लोग के पास नहीं जा पाते हो, मतलब कभी इतना कंफर्टेबल नहीं होते हो कि अपना मेरा स्कोर वगैरह दोस्तों का शेयर करने से, वो बताते थे कि कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता रहता है, मतलब स्कोर तो अप डाउन होता रहता है, ऐसा तो नहीं है कि हर स्कोर में अच्छा आएगा, खराब आएगा तो अभी तो सीख के हम इम्प्रूव करेंगे ना, तो इस बिल्कुल से सही बात मतलब बोली, बिल्कुल ऐसा सही फील बात बोली मिलता है। बेटा, बहुत अच्छी बात बोली। कि मैं हमेशा बोलता हूं कि हम नॉलेज के लिए पढ़ाई करें। जैसे 11th 12th में आपका मैथ्स अच्छा नहीं था, रैंक इज डिफरेंट थिंग, पर आपने नॉलेज के लिए पढ़ा, मैथ्स में सीखा, टॉप 20 में रैंक बनाई, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट था। और ये कॉन्फिडेंस ने आपको एक रैंक बूस्टअप किया। नहीं तो कई बच्चे मैथ्स आने के बाद भी डर जाते हैं, जिनकी मैथ्स अच्छी जी होती वो सर, भी कई बार डर जाते हैं, पर आपने जो अचीवमेंट किया है ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई बच्चों को। तो मैं बोलूंगा जिन जी बच्चों को सर, डर लगता है, आप बिल्कुल मत डरिए। आप क्या सीखते हो नया, ये इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा बोलता हूँ क्लास में, आपने सुना होगा कि आप क्या नया सीख रहे हैं रोज, वो इंपॉर्टेंट है। और वो जी आपने सर, उस जी पर काफी काम किया, वेरी वेरी गुड। सर। एक्चुअली सर, मैं निमसेट से ज्यादा, रिजल्ट से ज्यादा ज्यादा खुश हूँ कि मैंने मैथ में अपने आप को इतना अच्छा इंप्रूव किया है। बिल्कुल सही बात है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, तो वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, आपने अपना पूरा जर्नी तो बता ही दिया, अब आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो, स्पेशली जो बच्चे कई बार ड्रॉप लेने से घबराते हैं, उनके लिए आपका क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा? सर उनके लिए मेरा ये मैसेज होगा और कि जिनका मैथ्स वीक होता है उनके लिए भी, क्योंकि आपने मैथ्स कहीं ना कहीं 11th 12th में टच में नहीं थे, ये पूरा स्टेटमेंट आप बताइए। सर, मैंने तो जूनियर को ये मैसेज देना चाहूंगा कि मतलब रिजल्ट, एग्जाम से पहले रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, पहले जो पढ़ रहे हो उस कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। और जी मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है कि हम किस एग्जाम को, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो समझना है, और उसका लेवल समझना है। क्योंकि स्टडी में मतलब मेरा बात होता था जो अच्छे अच्छे जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो मतलब बच्चे भटक रहे हैं, मतलब तो कौन बोल रहा है ये कर लो, कौन बोल रहा है वो कर लो, तो ये सब चीजें चलता रहता है। एक्चुअली उसमें ज्यादा भटकना नहीं है, पहले एग्जाम को समझना है और उसी लेवल पर पढ़ाई करना है और कॉन्स्टेंटली मेहनत करना है। ऐसा नहीं कि पहले दिन हमने जोश में आए, 10 घंटा बैठ गए, लेकिन उसके बाद दूसरे दिन बैठ के फोन देख रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। और जितना डेली जितना ही पढ़ रहे हो, कोई कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। और जिन बच्चों का मैथ्स वीक है, मतलब सर मैं ये बताना चाहूंगा कि मैथ्स ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, तो ऐसे पहले से कुछ तय नहीं होता है कि आपसे मैथ नहीं होगा, सब डिपेंड करता है आपके, आप कितना टाइम दे रहे हो और कितना प्रैक्टिस कर रहे हो और चीजों को कितना समझ रहे हो। अगर आप मैथ समझ, ऑल अबाउट समझने का ही है, मतलब समझ गए तो बन जाए, और प्रैक्टिस करते रहोगे तो मैथ में इंप्रूवमेंट होता जाएगा। ऐसे करते प्रैक्टिस को ज्यादा टाइम देना है, मतलब वैसे ही सर इंप्रूवमेंट होता जाएगा। बिल्कुल सही बात बोली। तो बेटा मैं चाहूंगा कि आपके पेरेंट्स से भी मिल पाऊं। जैसे मम्मी है मेरे, जी बुलाना चाहूंगा। जी नमस्कार, आपको बहुत बहुत बधाई, आपके बेटे ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, बहुत अच्छी रैंक अचीव की है, तो उसके लिए ढेर सारी आपको बधाइयां। आप जो बोलना चाहे एक्चुअली बोलना बोलिए अपने बच्चे के बारे में, सर उड़िया में बोलना चाहेंगे कोई सर, दिक्कत नहीं है, ट्रांसलेट। जिस लैंग्वेज में है अच्छा, आपके आपके स्टेट के बच्चे सुनेंगे मम्मी की बात तो कहीं ना कहीं मोटिवेट होंगे। बहुत अच्छा लगा है, बढ़िया बढ़िया, बहुत खुश हूँ आपका, बहुत खुशी लगा है जो आपको पाई, हमारे फ्रेंड सबसे वाले में जो पढ़ रहे हैं, मैं हमको जी समझ खुशी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको पाई नहीं काम करा आगे हो जाती, बहुत जी खुशी जी अच्छा। जी थैंक यू, थैंक यू। एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, और वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक थैंक यू यू। बेटा, थैंक यू।